निगम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि कल पूरे देश भर की नजरें सोरम पर टिकी होंगी, तो अब जो खिलाड़ियों को आपने 5 दिन का आपने समय दिया, आपने कल मनाया खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों ने आपकी बात भी मानी, क्योंकि आप समाज में जो जिस तरह का आपका रुतबा है उन्होंने उस चीज़ को माना, लेकिन अब ये लड़ाई आगे कैसे, आगे क्या होगा, क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं। नहीं, एक तो बात यह है, हमने 5 दिन का समय हमने नहीं दिया जी, 5 दिन का समय उन्होंने पहलवान उन्होंने दिया हमें जी। अगर 5 दिन में हमारा कोई हल नहीं निकले तो हम आत्महत्या जैसा कदम उठा लेंगे। हमें तो यूँ फिक्र है भाई, कोई ऐसा एक और इस देश में और तूफान न खड़ा हो जा। बच्चों ने यूँ हमें आश्वासन दिया कि हम 5 दिन का समय आपको दे रहे जी। हम तो इसी बात पर चिंतित है, अगर उन्होंने वे इतने तनाव में है, जो पहलवान है वे महिला पहलवान इतने तनाव में है, वे कुछ भी निर्णय ले सके, कुछ भी कदम उठा ले, तो एक तो बताओ इसे बात को समझौते की तरफ को ले चलना चाह। सरकार जिम्मेदार है, सरकार की वह है बातचीत भाई, केंद्र सरकार है, आखिर को एक आदमी को बचाने में इतना तूफान खड़ा कर दिया जी। पता नहीं कहे कितने अरब रुपए खर्च हो लिए होंगे इसमें पुलिस व्यवस्था की उसकी, और एक तनाव अगर जबरदस्ती है इस आंदोलन को, इन बच्चों को जबरदस्ती दबाना सोचते हो तो ये मन में से निकाल दो बात जी। ये मन में से बात निकाल दो, ना हमारी किसान की बात है, ना किसान यूनियन की बात है, यह सिर्फ मान सम्मान की बात है। इसमें जाति बिरादरी की मजहब की बात नहीं करे जा, ना इसमें कुछ वह पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का आ गया, तो इस तरह की बात नहीं, कल को भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें कोई एक बिरादरी की बात नहीं है, सब बिरादरी के जो जिम्मेदार है, सब बिरादरी में लीज आ गई, उसमें कोई वो नहीं है बात भाई नहीं कुछ है, उसमें ठाकुर समाज भी उसमें जागा, वे भी जो हमारे आदमी है सब निष्पक्ष बात कहने के मूड में सब है जी। हम यही चाह रहे बातचीत कोई ऐसा वो निकले, ये बच्चे भी ठीक ठाक रह ले। अगर बच्चों ने कल, खैर बड़े तनाव की बात थी, हम चले गए, हमें पता लगा कि भाई इस तरह की बात है, हमने कुछ भी वो नहीं देख के हम 1.25 घंटे में हम वहाँ जा लिए जी। और जिस तरह से हमने बच्चों को उन्हें मनाया भाई, बहुत बहुत भीड़ थी वहाँ से, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वे बच्चे किसी के निमानन को तैयार थे। चोर साहब है श्याम सिंह जी, श्याम सिंह मलिक जी, उन्होंने जोड़ी फैलाई भाई, बेटी मारी इसमें जोड़ी में गिर दोगे, बड़ा मार्मिक दृश्य था वहाँ का। तो उन्होंने चलो मैं मारे कहने पे कुसा मनते उस तक करके हम एक माहौल को टाल दिया वहाँ से, एक बड़ा माहौल ख़राब था जी। कुछ भी हो सकता था, इतनी भीड़ भाड़ में कुछ भी हो जाए, भगदड़ मचे सारी वो। हम ना हमेशा हमारी बात को जने बिल्कुल ऐसी तरोड़ मरोड़ का पेश करे जाए, हमने कभी भी ना कभी टकराव वाली वो करी बातचीत। इसमें हम बच्चों को कैसा छोड़ दें, उनके भविष्य की बात है जी। नहीं छोड़ने जाने गए तो कुछ भी स्थिति हो जी। तो नरेश जी साहब, क्या शांति के पुजारी है, पर तो जो भी हालात होगी देखो इनके जुम्मे जी। तो यानी कल आप ये फैसला लेंगे कि पूरे प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएंगे, कोई आंदोलन होगा या आप सरकार से बातचीत करेंगे, क्या आपने सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को भी बुलाया, ये तमाम चीजें, ये तमाम सवाल है, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, उन्हें तो नहीं बुलाया जी। कोई आ सकता हो, कोई भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता में है मैं आ सके, उनका स्वागत है जी। और मैं कोई राजनीति ना करे, एक समाज को बचाने का काम करे। समाज आज बिल्कुल बारूद के ढेर पे है, और कुछ भी हो सके पूरे भारत में इस तरह की वह हो जाएगी बातचीत। आज सब चिंतित है, हमारे हम भी अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं भाई, कोई भी माहौल ख़राब ना हो। पर एक तो बताओ, बच्चों के भविष्य की बात है, उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो हमारे भी हाथ में तो निकल जाएगी बात जी। हम भी बिरज भूषण जी है, हम उनके ऐसी वाह नहीं कहते भाई, जी बच्चे कह रहे, हम हमारी कोई दुश्मन आगे नहीं है बिरज भूषण से, अगर हमारी कोई व्यक्तिगत हुए, जब बच्चे कह रहे, वे बच्चे कह रहे भाई हमारा यौन शोषण हुआ, तो उनका तो यकीन तो उन पर करना पड़ेगा। जी मैं मौके पर जाकर कह रहे, मैं उसमें बैठे, मान सम्मान की उनकी भी बात है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम बिरज भूषण की नहीं सुनने। बिरज भूषण भी बिरज भूषण भी समाज में आओ, खाप चौधरी को दोहरे, बिरज भूषण भी आओ, ऐसा कौन सा वो कर लगा, अपनी वो भी बात रखो। उनके यानी नरेश जी साहब, आप आमंत्रण दे रहे हैं कि भूषण शरण सिंह भी आ सकते हैं बातचीत करने? भाई आमंत्रण नहीं दे रहे जी,
हम नु कह रहे जो बच्चों के भविष्य की बात है, सबसे पहले तो हमें उनकी देखनी। बिल्कुल, अच्छा ब्रजभूषण भी अपने समाज को देखो, हम ये आदमी बता देंगे उनके समाज में वे आदमी है, वे संपर्क करो हमारे, तो भाई हम तो ऐसे बीच में फंस गए। बच्चों को इस तरह था नहीं छोड़ा जाने का, हमें तो आगे अपने भविष्य की बात है, आगे अपने इतिहास की बात है। लेकिन नरेश जी सब एक बात आपसे, और उनका कहना है ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि जांच चल रही है, अगर जांच में आज भी उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जांच में दोषी पाया गया तो जाहिर सी बात है सर कानून अपनी कार्रवाई करेगा, तो उस जांच पर भरोसा नहीं है या जांच को पूरा होने तक का इंतजार नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं जांच कोई नहीं, जिसके खिलाफ रिपोर्ट होगी उसकी गिरफ्तारी हो और फिर जांच होती रहेगी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इस देश को बचाने की बात करें ब्रजभूषण भी, इस तरह की बात ना करें जी। उस तक अकेले तो थोड़ा ही कुछ सहारा लगे भाई, बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चे तो बिल्कुल वे समाज में क्या मुंह दिखाओगे जी। एक ब्रजभूषण को अपनी जान अपनी मान सम्मान बचाने की बात है, उधर नु तो देखो कि उन बच्चों के भविष्य की बात है, और ब्रजभूषण भी अपना पक्ष रखे ना थोड़ा, ये जो कानून की बात है कानून का वो रखे, कानून में अपना सिलेंडर करे अपना, ठीक है लो भाई, या खाप चौधरी को या जिम्मेदारों को न कह दे भाई मैं भी आपका ही बच्चा हूँ, आपका ही भाई हूँ, मुझे भी कहूँ मैं कहाँ जाऊँ, हम भी ठहरा पुलिस को सौंप देंगे, उसे उसकी भी इज्जत रह जाएगी, हमारी भी रह जाएगी, हम या थोड़ा ही उसे हम नु कह रहे भाई, हम तो उसका भी तो पक्ष ले रहे पर उससे ज़्यादा पक्ष तो इन बच्चों का है, जो इतना उनका इतना भविष्य, उनका सारा जीवन खराब ही होगा, किस तरह से उन्होंने महानता दिखाई है भाई, वे पदक वहां से जीत कर लिया, क्या इसी दिन को देखने के लिए थे? ठीक है नरेश जी, कैसे वो तो उनका मास्टर है गुरु जी जी जी। एक आखिरी सवाल आपसे, देखिए ब्रजभूषण तो उनका मास्टर है क्या, मेरी तो सुन लो जी, आप अपनी बात पूरी करिए उनका गुरु है क्या? हाँ ब्रजभूषण उनका गुरु है क्या? गुरु को शिष्य में इतना वो होना चाह, मतलब एक तो देखो सारी वो तार तार हो रही, और इसमें राजनीति रंग दिया जा रहा है, इसमें कहे कि हम तो ब्रजभूषण जी तो यही कहे भाई अपना सरेंडर कर दे, सारा दाबा दब जाएगा, नहीं ना नाश का बज लिया उन्होंने, क्या क्या आखिर हम ही इस तरह तक कुकर इन लड़की कुकर छोड़ दे, इसकी जिम्मेदारी इन सरकार की होगी ब्रजभूषण जी की होगी, अगर यहाँ से कुछ भी माहौल खराब हो जी, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी प्रदेश वो केंद्र सरकार भी लग गई भाई, क्यों इस तरह का क्यों काम करे, जो कुछ बात है जो कुछ मामला है उसे निपटारे की वह करो, हम उसकी कोई वो नहीं है बात, हमें कोई आंदोलन करने का कुछ वो है, पर इन बच्चों की कुकर वो कर दे, कुकर महिलाओं की जो असमत है नुई लुटी जाएगी, नुई वो होगी बातचीत, ये मन में से निकाल दो बातचीत, ना इनकी जाति बिरादरी की वह चलने की बात, जाति बिरादरी ठाकुर समाज राजपूत समाज ने हमेशा सम्मान करा, हमेशा सहयोग करा, जो उनका इतिहास अच्छा इतिहास रहा, एक आदमी पे पूरा इतिहास क्यों, समाज का इतिहास क्यों खराब करा जा? ठीक है कुछ नहीं बात है, इसमें ठीक है, सब एक आखिरी सवाल आपसे, अपना अपनी गिरफ्तारी दे दो अपना, ठीक जी, एक आखिरी सवाल ये कि इस पूरा ये जो आप जिस तरह से इस पूरे मामले में कल का आपका कहना कि कल ये तय होगा कि आगे क्या करना है, और दूसरी बात ये कि राजनीति, ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे मामले में खूब राजनीति हो रही है, कई विपक्षी पार्टियां, कई ऐसे लोग जिनको कुश्ती संघ में फायदा दिखता है वो लोग भी इसमें आग में घी का काम कर रहे हैं, इन तमाम बातों पर आपका क्या कहना है आखिर में? नहीं हमें तो ना राजनीति का पता, ना हमें कोई किसी पार्टी तक टिकट लेना, हम तो हमेशा तय जीवते बड़े चोर साहब थे, उन्होंने भी मान सम्मान की बात रखी, महिलाओं की जो महिलाओं का सम्मान है सब तक सर पर रहा हो, कहीं भोपा आंदोलन रहा हो, नईमा कांड रहा हो, और भी कोई हो निर्भय कांड रहा हो, कोई भी हमने महिला की हमेशा सम्मान करा और आगे भी करते रहेंगे, इसमें ना कुछ राजनीति है, क्या राजनीति है, जो घिनौने लोग हैं जो जिनकी गंदी सोच है उन तरह की वो है बातचीत में अपना अपने घर बैठ जा, इसमें राजनीति में राजनीति ना करें, इसमें कहीं की राजनीति है जी, हम बच्चों पर महिलाओं पर इन पर जो ये खिलाड़ी है हमारी पहलवान है इन पर राजनीति करेंगे, इतनी टूची राजनीति करेंगे हम, इतनी घिनौनी राजनीति करेंगे, अब हमारी बच्चों की उनके साथ यौन शोषण हो, हम उसमें राजनीति करें,
ये नहीं कि भूल है, बिना मतलब कि इस तरह की बात ना करें, अच्छे इंसान की तरह थे। और इसमें सब सबका पता लग जाएगा कौन आदमी है जी, कौन आदमी इस तरह की वो कर रहा। और हम तो महिला पत्रकार हूँ, तभी यही कहे मैं भी, या तो सही बात कर लो, कोई गलत सलत लपेटेदार बात ना करो, उनके भी मान सम्मान की बात है, ठीक है, सबकी वो है बातचीत, इसमें वो ना लड़ावे जी। खाप चौधरी, हाँ जी जी बिल्कुल नरेश विकास साहब, तो कुल मिलाकर कल का इंतजार सबको, खाप चौधरी है कल जी। आप बात पूरी कर लीजिए टिकैत साहब अपनी। हमने हमेशा शांति के तरीके से बात करी, कभी भी हम हिंसा में विश्वास नहीं करते। और यह सरकार की जिम्मेदारी है, अगर कहीं कुछ रुक का रोड़ा कुछ हुआ हो बातचीत, सरकार की जिम्मेदारी है। इसे ताकत के बल पे उस युवा आंदोलन दबाया जा सकता, ठीक है। नरेश विकास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ जी, लेकिन कल का इंतजार सबको रहेगा, क्योंकि कल आपकी बैठक है सोरम में, उस बैठक में जो फैसला होगा उस फैसले का इंतजार सबको है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।